तमाम रिकॉर्ड्स मिल्खा सिंह के नाम है और दो इतिहास बनाती तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जहां पर हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात थी, ये वो दो तस्वीरें हैं जब मिल्खा सिंह ट्रैक पर दौड़े और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। एक तस्वीर जब स्वर्ण पदक जीता था और दूसरी रोम ओलंपिक 1960 की तस्वीर। रिकॉर्ड तो तोड़ा लेकिन चौथे नंबर पर रहे मिल्खा सिंह। एक वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाली वो तस्वीर, कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स की 1958 की और 1960 कॉमनवेल्थ 400 मीटर रेस में जब चौथे पायदान पर रहे थे और ये मलाल ताउम्र उनको रहा था इसी बात का। दो तस्वीरें, संघर्ष से भरा जीवन और ट्रैक पर उस वक्त उतरे न पैरों में जूते हुआ करते थे, न ट्रेनिंग, न कोच, न स्टेडियम, और ये भी शायद नहीं जानते थे कि 200 या 400 मीटर्स क्या होता है, क्या होते हैं खेल, क्या है ओलंपिक, क्या है एशियन गेम, क्या है कॉमनवेल्थ गेम, इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन ट्रैक पर जब उतरे तो किस कदर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते गए और आखिरकार फ्लाइंग सिख से उनको नवाजा गया। ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जब फ्लाइंग सिख से उनको नवाजा गया था पाकिस्तान में जब वो दौड़ रहे थे। ये कार्डिफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक लम्हा मिल्खा सिंह के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए तो ऐतिहासिक लम्हा था ही, फ्लाइंग सिख से उनको नवाजा गया था। और ये 1960 रोम की वो तस्वीर है जब रिकॉर्ड तो तोड़ा लेकिन चौथे नंबर पर रहे थे और ये मलाल ताउम्र उनको रहा था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वो खुद इस तरह के एथलीट्स बनाना चाहते हैं जो उनके भी रिकॉर्ड तोड़े और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करें।